बोलो रो रो फेरी पॉजिटिव। ड्राइवर को भी सेफ्टी है, मोटर मालिक को भी सेफ्टी है, खाने पीने की व्यवस्था है और आराम भी मिल जाता है। आराम भी मिल जाता है। और वैसे कितना किलोमीटर आपका यहाँ पे बचता है? वैसे 300 किलोमीटर, 300 किलोमीटर आपका यहाँ पे सेव होता है। सैंडविच ये मंगवाया, अमेजिंग सिजलिंग ब्राउनी। एंड ये क्या है? एक भाई ने पिज्जा मंगवाया है, तो उसका रिव्यू चेक कर लेते। ये आ चुका है गोगो टर्मिनल, ये देखो गोगो टर्मिनल, और वहां से हम लोग वेलकम 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 बैक टू माय नेक्स्ट व्लॉग, टू राधे विश माय व्लॉग। एक काम करते हैं, दीव जाना है, हाँ जाते हैं, सारंगपुर जाना है, हाँ जाते हैं, भावनगर जाना है, हाँ ढोलेरा में जो नया स्वामीनारायण टेम्पल बना है वहाँ पे जाना है। लेकिन ये कितना लंबा रूट है। अरे वो शॉर्ट में पड़ जाएगा ना। कैसे? ये मेरे पीछे क्या दिख रहा है? रो रो फेरी, यस रो रो टू गोगा। आ जाए हजीरा पॉड पे रोरो फेरी में, तो हम लोग जाने वाले हैं, कहाँ कहाँ जाना है वो सब आप लोग के साथ में शेयर करेंगे। और रोरो फेरी में बहुत इजी रास्ता है, जो 12 घंटे का, जो 14 घंटे का रास्ता आता है वो ओनली 3 घंटे में 4 घंटे में मैक्सिमम 4 घंटे में खत्म हो जाएगा। तो चलो ज्यादा बात नहीं करते और रोरो फेरी की फुल इंक्वायरी करते हैं। और स्टार्टिंग में बता देता हूँ कि आपको यहाँ पे आना है तो लाइव लोकेशन में यहाँ का रख दूंगा। हम लोग भी यहाँ पे आए थे, थोड़ा 10-15 मिनट हमको घूमना पड़ा, लेकिन जो लाइव लोकेशन है वो वहाँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं रख दूंगा। और दूसरी बात कि रोरो फेरी में ये 9 बजे स्टार्ट होती है, 9 बजे रोरो फेरी स्टार्ट हो जाएगी और आप इजीली यहाँ पे 7 बजे आओ, 7:30 बजे आओ, आप 8 बजे आओ ना तो अभी चलेगा। 8 बजे, 7:45 बजे वो लोग एंट्री यहाँ से स्टार्ट कर देंगे। देखो यहाँ से ये पूरी कार की एंट्री है ना, वो यहाँ से स्टार्ट करेंगे और पीछे ट्रक की एंट्री है। ये पीछे जो दिख रहे हैं ना, वो पीछे वो है ट्रक की एंट्री, और वो ट्रक की एंट्री सुबह 6:15 बजे स्टार्ट हो जाती है। तो चलो जाते हैं रो रो फेरी। अर्ली मॉर्निंग सुबह 6:30 बजे, देखो ये सब ट्रक भी जाने वाली है, ये सब ट्रक जाएगी। यहाँ पे एंट्री गेट पास, एंट्री गेट पे चेकिंग होगी, एंट्री गेट पे ये टिकट चेक कर रहा है। टिकट छः लोग। ये है ना, उन लोगों ने ना बैठने की सुविधा भी रखी है कि आप मानो कि आप सुबह जल्दी आ जाओ, 6:30, 7 बजे के आसपास में आ जाओ ना, तो उन लोगों ने ये पूरे बैठने की सुविधा भी रखी हुई है। यहाँ पे देखो ये चार्जिंग स्टेशन भी है, किसी को एक्टिवा चार्ज करनी है, किसी को कार चार्ज करनी है, तो यहाँ पे चार्जिंग स्टेशन भी अवेलेबल है। ये देखो ट्रक की एंट्री है ना, जाना स्टार्ट कर दिया है, 6:15 बजे यहाँ पे ट्रक की एंट्री होना स्टार्ट हो जाती है और वो फेरी में चली जाती है। अमेजिंग, ये चीज़ लाजवाब है मेरे भाई। इसमें है ना 55 ट्रक यहाँ पे इजीली आ सकते हैं, 55 ट्रक, और 2000 टन की पूरी कैपेसिटी है, 2000 टन की रोरो फेरी की ये पूरी कैपेसिटी है। देखो पीछे रोरो फेरी, ये आपका स्लीपर है, ये स्लीपर बाद में ये एग्जीक्यूटिव है, ये एग्जीक्यूटिव बराबर, ये 3 क्लास होता है अवेलेबल। ये चीज़ मुझे अच्छी लगी कि आपको सिर्फ गाड़ियाँ बैठे रहना है और आपके पास आके वो लोग बेल्ट पहना देंगे, ये चीज़ अच्छी है। जो बाइकर लोग हैं ना, बाइकर लोग को बाइक पे मिल जाएगी। और ये देखो ये टिकट चेक हो रही है, स्कैन कर लिया और गाड़ी में अभी ये बेल्ट पहना देंगे सबको। सिक्स पर्सन। ये कौन सा बेल्ट है? अपना येल्लो बेल्ट है। ये सबको गाड़ी में ही बेल्ट पहना देंगे अभी। ये भी देखो ये सबको बेल्ट पहना रहा है। यहाँ पे भी चेकिंग होगा, मजा आ रही है। ठीक है तो आप जा रहे हैं रोरो फेरी, कुछ नजारा जट्टी का देखो। टेंपल जी बाय बाय, अमेजिंग। ये देखो ये ट्रक भी जा रही है, बाइक भी, और हमारी गाड़ी भी टक टक करके अभी चली जाएगी। ये आ चुके हैं हमारे ये जो वर्कर है ना, यहाँ पे जो काम करते हैं, उनका भी यूट्यूब चैनल चलता है, तो उनका नाम क्या है? हिमांशु ब्लॉग को जरूर से सपोर्ट करना प्लीज, रिक्वेस्ट करता हूँ। यहाँ पे ये लोग 24 घंटा
परिवार को छोड़ के यहाँ पे रहते हैं और ये पूरा जो रोरो फेरी है ना तो वो मैनेजमेंट करते हो। प्लीज एक बार जरूर से सपोर्ट करना और सब्सक्राइब करना हिमांशु ब्लॉग। ये नीचे में है ना पूरा ट्रक पार्किंग है और ये ऊपर का पूरा स्पेस यहाँ पे देखो एक्टिवा पार्क की बाइक पार्क है और यहाँ पे पूरी कार पार्किंग है और यहाँ से आपको ये ऊपर अभी अंदर जाते हैं। यहाँ पे देखो ये फुल चेकिंग हुआ, फूड अलाउड नहीं है और ये है नज़ारा, पूरा एसी हॉल है, पूरा एसी हॉल ये देखो। और ये गेम जोन, ये ग्राउंड फ्लोर पे ही आपको है ना ये देखो कैफेटेरिया मिल जाएगा। ये देखो यहाँ पे ना ये बिजनेस क्लास तो बिजनेस क्लास सीटिंग, ये सीटिंग अरेंजमेंट यहाँ पे, और ये देखो सीटिंग अरेंजमेंट बिजनेस क्लास। और आगे बढ़ते हुए एग्जीक्यूटिव क्लास, देखो सीटिंग अरेंजमेंट सीटिंग सब सेम ही है और सब में ही एलईडी मारी हुई, देखो यहाँ भी एलईडी की हुई है, टीवी एलईडी यहाँ पे भी है। ये है स्लीपर क्लास तो स्लीपर क्लास में भी कैसी अरेंजमेंट है वो चेक कर लेते हैं कि स्लीपर क्लास में क्या है। फुल विजिट ये देखो स्लीपर क्लास में भी, हाँ ये जो बस के कैबिन होती है ना, बस के कैबिन स्लीपर क्लास वैसे ही स्लीपर क्लास है, बस की कैबिन की तरह यहाँ पे कुछ लगे रखने का है। और हम जा रहे हैं अब कैबिन क्लास, ये पूरा रूम मिलता है, ये देखो पूरा रूम पूरा कैबिन क्लास, ये देखो 11 नंबर, ये सब रूम नंबर लिखे उन लोगों ने 11 नंबर 10 नंबर 9 नंबर और ये पूरा कैबिन जो सीप में होता है ना वैसे ही, क्रूज में जैसे होता है ना वैसे ही, ये देखो पूरा इसमें एक कितने पर्सन आते हैं एक कैबिन में, चार पर्सन आते हैं। और एलईडी स्क्रीन भी है यहाँ पे, देखो एलईडी स्क्रीन भी है, बाद में बैठने की सुविधा भी है, कुर्सी टेबल भी है। एक कैबिन में देखने के लिए जाए तो 4% परमिशन है, 4% की परमिशन है और 2 बच्चे होंगे चलेंगे नॉर्मल टिकट में, नॉर्मल टिकट में 2 बच्चे। वैसे इसका क्या चार्ज है वैसे ये कैबिन का? 6000 है, जैसे तत्काल 6000 है, ऑनलाइन करोगे तो 5000 बराबर 5000 में ये कैबिन मिलेगा। Searching for greatness in a sea of the dying and shameless, a sea of the aimless. I don't wanna be one of the nameless. I'ma wake up with the mindset that one day I'm gonna make it, and I don't think I'll be fine if I don't break my limits. ये टोकन नंबर के हिसाब से चलता है, ये क्या मंगवाया? हाँ वाओ, ये क्या चाय, मसाला चाय चोकोलाटे, चोकोलाटे और मसाला चाय, ये कंटिन्यू यहाँ पे टोकन नंबर बोल रहे हैं तो वो हिसाब करने, ये सेल्फ सर्विस है। ये कितने का लिया, ये कितने का आया? 130 का, ये 130 का। और चाय कितने की आई वैसे? चाय कितने की है? 25। ये देखो ये मेनू कार्ड है, तो ये मेनू कार्ड भी आप देखना चाहो तो मेनू कार्ड भी एक बार देख लो, मेनू कार्ड आपको प्राइस समझ में आ जाएगा। ये पूरा मैगी बर्गर पिज़्ज़ा चाइनीज पास्ता पाव भाजी का कितने का है? 145 एंड एक्स्ट्रा पाव 20 रुपीज़। और ये पीछे में क्या है, कितनी सारी वैरायटी आइसक्रीम भी है, ये देखो मॉकटेल 120 का 120। परफेक्ट 9 बजे है ना ये फेरी निकल चुकी है, परफेक्ट 9 o'clock, और 9 o'clock से ऊपर पहले आप आ नहीं पाओगे, वैसे 9 बजे से ऊपर आना अलाउड नहीं है। और ये आ चुके पूरे टैग पे और ये है पूरा नजारा, रोरो फेरी गो गो। Don't try to stop me, I exist to write your story. I'll make a decision if I want some peace or if I want the glory. Yeah, don't want a life that is complacent or possibly boring. Just want a life. बनाए ऊपर में कैफे है, ये जो टैग है ना टैग, तो टैग पे भी पूरा कैफे जोन है, ये देखो तो ऊपर में भी आप आराम से चाय पानी नाश्ता कर सकते हो। तो ये पूरा स्लीपर क्लास है और स्लीपर क्लास के लोग ही यहाँ पे देखो यहाँ से आ सकते हैं, ये है ना बेस्ट व्यू। ये सब ट्रक ड्राइवर है और आपको क्या बेनिफिट यहाँ पे रहता है वो बता सके, यहाँ पे बेनिफिट क्या है कि आप जो रोरो फेरी में से गोगा जाते हो उसका बेनिफिट क्या है? वैसे किलोमीटर से ड्राइवर को भी सेफ्टी है, मोटर मालिक को भी सेफ्टी है, खाने पीने की व्यवस्था है और आराम भी मिल जाता है। और वैसे कितना किलोमीटर आपका यहाँ पे बचता है? वैसे 300 किलोमीटर आपका यहाँ पे सेव होता है।
और कंटिन्यू आप यहाँ रोरो फेरी का यूज करते हो? दो तीन दिन के बाद खाली ट्रक जाती हो तुम्हारी? खाली ट्रक तो इनो के लो चार्ज हो 7,000 रुपया। खाली ट्रक ना 7,000 रुपया। म्यूजिक भी बहुत बढ़िया बज रहा है, कंटिन्यू म्यूजिक भी बज रहा है और पवन तो लाजवाब है, लाजवाब एक्सेलेंट पवन। सैंडविच है ना, ट्राई करने के लिए सैंडविच मंगाई है। सैंडविच क्वालिटी चालू है 9 बजे से, जब से रोड फेरी स्टार्ट हुई है ना 8 बजे से अंदर आए तब से चाय कॉफी। अमेजिंग सिजलिंग ब्राउनी एंड ये क्या है? कॉफी कैपेचिनो, कैपेचिनो कॉफी। अमेजिंग हाउसकीपिंग कंटिन्यू ये लोग साफ कर रहे हैं, जैसे भी ये लोग उठेंगे ना तुरंत वो लोग क्लीनिंग कर देते हैं। ये चीज़ अच्छी है, ये क्लीनिंग कंटिन्यू स्टार्ट है। ये देखो तुरंत इन लोगों ने यहाँ पे उठा लिया और यहाँ पे डस्टबिन में डाल दिया। थाईलैंड की फेरी देख ली, थाईलैंड में इतना सारा वीडियो आ रहा है तो ये इंडिया को प्रमोट करना पड़ेगा ना, ज़रूरी है ना इंडिया को प्रमोट करना भी, तो ये ज़रूरी है। कि कई लोग नेगेटिव चीज़ बोलते हैं कि भाई रोरो फेरी में ऐसा है, रोरो फेरी में वैसा है, लेकिन रिस्की है, बहुत रिस्की है, ऐसा है लेकिन ऐसा नहीं। एक बार विजिट करने के लिए आना ही चाहिए, तब आपको समझ में आएगा कि नहीं 9 बजे परफेक्ट 9 बजे ये रोरो फेरी निकल चुकी है, परफेक्ट 9 o'clock, और कितने बजे पहुँचेगी वो आपको दिखाऊँगा। कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अमेजिंग व्यू है, बहुत अच्छी जगह है। किसी की मत सुनो कि भाई ऐसा होता है वैसा होता है, लेकिन बहुत अच्छी है रोरो फेरी, मस्ट विजिट रोरो फेरी। ये जो रोरो फेरी दिख रही है ना वो गोगा से निकलती है, सुबह 9 बजे वो गोगा से निकलती है और 12-1 बजे सूरत में पहुंचती है। ये पूरा फाइडी शो गेम जोन देखो, ये पूरा प्राइस लिस्ट भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ये पूरा प्राइस लिस्ट के कौन सी सीट आपको क्या रेंज में गिरने वाली है। और एक बात, शनिवार को, शनि और रवि को यहाँ प्राइस 100 रुपीज़ या 50 रुपीज़ प्लस हो जाते हैं। सोम से शुक्र के प्राइस अलग रहते हैं और शनि और रवि के प्राइस भी अलग रहते हैं। तो एक बार आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स भी चेक कर लेना तो आपको परफेक्ट आइडिया आ जाएगी। एक बार है ना पब्लिक का रिव्यू चेक कर लेते हैं कि रोरो फेरी में जो खाना मिल रहा है वो कैसा है, कैसा है खाना यहाँ का? वैसे आपने क्या मंगवाया? वैसे क्या मंगवाया? सैंडविच ही मंगवाया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और कैसा लगा आपको? बहुत बढ़िया लगा, अच्छा है ना। ओके, अभी ना एक भाई ने ना पिज़्ज़ा मंगवाया है तो उसका रिव्यू चेक कर लेते हैं। क्या प्राइस में ये पिज़्ज़ा मिला आपको? 325 का पिज़्ज़ा। और कैसा है ये साइज़ भी देखो, ये साइज भी देखने के लिए जाए ना, कौन सा? 9 इंच का, ये 9 इंच का पिज़्ज़ा है, देखो 9 इंच का पिज़्ज़ा है और इसकी साइज़ भी बड़ी। और कैसा है ये टेस्ट में वैसे? बहुत बढ़िया, बढ़िया है ना, अच्छा है ना। मैगी हमने मंगवाई थी, हमने पिज़्ज़ा सैंडविच सब कुछ मंगवाया, कॉफ़ी मंगवाई थी, हॉट चॉकलेट मंगवाई थी, हर एक वेराइटी। और आप देख सकते हो कि क्लीननेस भी देखो यार, यहाँ पे क्लीननेस भी आप चेक कर लो, ये देखो ये पूरा क्लीन है। ऐसा नहीं है कि मैंने उन लोग को पूछा, लेकिन ये ऐसे ही मैं अंदर आ चुका हूँ और ये आपके सामने देखो क्लीननेस। बाहर रेस्टोरेंट में कैफे में ट्राई करते हैं ना वैसी क्वालिटी, और प्रेजेंटेशन भी आपका अच्छा है। मैंने देखा आपका जो प्रेजेंटेशन है ना, कैंटीन टाइप नहीं है कि भाई चलो 50 रुपए का ये ले लिया, ढाबे से ले। आपका जो प्रेजेंटेशन है ना वो भी बाहर कैफे की टाइप पे है। थैंक यू वेरी वेरी मच ब्रदर, बहुत अच्छा है। मैं बाई कार जाने वाला था, लेकिन मुझे ये एक्सपीरियंस करने का था कि रोरो फेरी में कई नेगेटिव बोल रहे थे, लेकिन नहीं, मत सुनो, रोरो फेरी इज अ पॉजिटिव, बराबर ना बोलो, रोरो फेरी इज अ पॉजिटिव।
कैफ़े चला रहा है ना वो है कैफ़े बिट, कैफ़े बिट एक्सप्रेस। ये जो कैफ़े चला है रोरो फेरी में, ये आपकी ब्रांच कहाँ कहाँ पे है वैसे? टिपलोड में है, आनंद में है, ब्राचा है, बापी है, कतार गांव है, मुंबई में है, मोटा ब्राचा है, और प्लस भरूच में एक नया ओपनिंग हो रहा है। ये टोटली 8 से 10 ब्रांच है हमारी, और प्लस रोरो फेरी में, दोनों रोरो फेरी में हमारा ब्रांच है। दोनों रोरो फेरी में? दोनों रोरो फेरी में है, और प्लस दोनों टर्मिनल के ऊपर भी हमारा रेस्टोरेंट है। दोनों टर्मिनल पर आपका रेस्टोरेंट है ही? जी। जो गोगा से सूरत में आती है वहाँ पे भी आपका ये कैफे चल ही रहा है? गोगा में भी है सर, और हजीरा में भी है, और प्लस दोनों रोरो फेरी की सीप के अंदर भी मेरा इसमें कैफे के, कैफे बीट का ब्रांच। और कैफे का नाम है कैफे, कैफे बीट, कैफे बीट एक्सप्रेस। जी। मैं अभी है ना खाना खा रहा था तो मेरे पास ये भाई आए बताने के लिए कि एक चीज आप बोलो, तो मैंने यही बोला कि आप खुद बोल दो क्या बोलना चाहते हो। यहाँ पे ना बीच समुंदर में आपको जैन फूड मिलना असंभव है। जैन फूड अवेलेबल है? जैन फूड अवेलेबल है यहाँ पे, जो भी मांगो आप जैन में भी मिल जाता। जैन में मिल जाएगा जो भी मांगो? इतने बड़े समुंदर में भी जैन फूड यहाँ पे अवेलेबल अवेलेबल। और देखो ये आ चुका है टर्मिनल, गोगो टर्मिनल आ चुका, देखो गोगो टर्मिनल, और पूरी सफाई चालू हो चुकी है यहाँ पे। ये पूरा क्लीननेस कर रहे हैं, देखो पूरा क्लीननेस। ये आ चुका है गोगो टर्मिनल, ये देखो गोगो टर्मिनल, और वहाँ से हम लोग जाएंगे बाद में ऊपर। यहाँ पे फेरी रुक जाएगी और यहाँ से बाद में हम लोग ऊपर जाएंगे। आ चुका गोगो टर्मिनल। बजे है 12:30 और 12:30 सब लाइन में लग चुके हैं, और स्टाफ भी देखने के लिए जाए ना तो बहुत ही कॉपरेटिव स्टाफ है। मुझे हर एक जगह पे शूटिंग करना, थैंक यू वेरी वेरी मच, मुझे हर एक जगह पे बहुत अच्छी तरह से शूटिंग करने को मिला। स्टाफ भी बहुत ही अच्छा और कॉपरेटिव है। ये 3 घंटे के बाद नीचे आए ना तो देखो, हम तो स्टार्टिंग में पहले थे लेकिन 3 घंटे के बाद गोगा फेरी पे ये देखो कितनी सारी गाड़ियाँ यहाँ पे, देखो कितनी सारी गाड़ियाँ। ये पूरा गोगो गोगो टर्मिनल, देखो ये रस्सियाँ भी कितनी बड़ी बड़ी है, देखो ये रस्सियाँ भी। वीडियो को एंड यहाँ पे करते हैं, बस वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर जरूर से करना। सूरत सूरत हजीरा तू गो गो टू बी कंटिन्यू माय नेक्स्ट व्लॉग। चुरा दे विश्व में विश्वमा व्लॉग। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। I'm never complacent, I would work in a mansion or basement, yeah. There's no replacement for persistence, it's a